नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। 3 दिन पहले हुई शादी टूटी, देखे शादी की इनसाइड स्टोरी। पति पत्नी ने स्वेच्छा से लिया तलाक। शादी के 48 घंटे बाद लड़की के ससुराल में प्रेमी की एंट्री। प्रेमिका के कोप भवन में पहुंचा प्रेमी, प्रेमिका से उसके ससुराल में करने लगा रासलीला। ससुराल वालों ने दोनों को पकड़ा रंगे हाथ। प्रेमी के मोबाइल से मिला अश्लील वीडियो फोटो। लगभग 3 साल से दोनों का चल रहा था प्रेम प्रसंग। प्रेमी के मोबाइल से ऐसा फोटो वीडियो जिसे देख एडल्ट फिल्म भी पड़ जाए फीकी। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। शादी दो जिस्मों का अटूट रिश्ता माना गया है। कहते हैं मोहब्बत बेहद ही नाजुक धागों से बनी होती है, लेकिन यह नाजुक डोरा इतना मजबूत होता है कि इसे तोड़ पाना आसान नहीं होता। जरा सोचिए, कोई प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने पहुंचे और उसे प्रेमिका के ससुराल वाले पकड़ लें। वह जिसके साथ पकड़ा जाए वह नई नवेली दुल्हन हो, 2 दिन पहले शादी करके घर आई हो, अभी सभी रिश्ते नातेदार घर पर मौजूद हो, शादी की रस्में पूरी तरह पूरी भी ना हुई हो, ऐसे में क्या हो, भूचाल आना लाजमी है। ऐसा ही एक घटना बलिया जनपद के उभाव थाना अंतर्गत एक गांव की बताई जा रही है, जहां एक युवक की बारात उसी जनपद के एक कस्बे सहतवार में गई। शादी के दूसरे दिन दुल्हन लेकर वापस आए। 11 जून को रिसेप्शन पार्टी हुई। दुल्हन के माँ बाप, भाई बहन, नाते रिश्तेदार खुश थे। शादी के बाद की रस्मों में शामिल हो खुशियां मना रहे थे। इसी बीच 12 जून को घर की महिलाएं शादी के ही एक रस्म के तहत गांव के बाहर पोखरे पर गई हुई थी, जैसा कि घर वालों से जानकारी मिली। उसी दौरान एक युवक अपनी बाइक स्प्लेंडर प्रो से उसके घर आता है, साथ में एक मिठाई का डब्बा लिया होता है। वह किसी से पूछना इजाजत लेना भी जरूरी नहीं समझता और घर के अंदर दाखिल हो जाता है। सीधे दुल्हन के कमरे में पहुंचता है, वह दुल्हन को गले लगा लेता है। अभी वह दोनों प्रेम के आगोश में डूबे होते हैं, तब तक दूल्हे का बड़ा भाई उन्हें देख लेता है। पूछताछ होने लगती है, उससे पूछा जाता है घर में और दुल्हन के कमरे तक कैसे आए। लड़का बताता है सभी अवाक रह जाते हैं। बताइए कि फलाना जगह हमारा शादी हो रहा है। तब तो फोटो खींचने आए थे मेरे घर। हाँ, एक बार आया था। अच्छा, आए थे यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे वही बुलाई है यहाँ पे? नहीं बुलाई नहीं, मैं एक बार बोली थी ना कि हमारा शादी यहाँ पे हो रहा है, तो मैं कानपुर बोली कि इस गांव है, तो मैं सोचा कि कहाँ पे हो रहा है, तो एक बार आया था। बोला था तो वो आपको एड्रेस दिया है ना? अभी एड्रेस बोला ना, फिर इससे बोला आपको बोला ये किनारे का आए हो? नहीं बोला है। डायरेक्ट घर में कैसे घुस गए? कैसे घर में घुस गया? आया था ना, आया था ना, एक लड़की थी बड़ी सी, बोला पूछा कि यही घर है ना? हाँ, तो मैं बोला कि तो बुलाओ किसी को। कोई घर में तो था नहीं, बाहर सब बाहर थे, कोई दिखाई नहीं दिया। मैं कोई नहीं था, डायरेक्ट तुम कैसे? नहीं तो यहाँ पे गया, तो मैं बोला ना लड़की से कोई है नहीं, बोलो तो बोले कि अंदर चले जाओ, मैं जा नहीं रहा था, तो मतलब कोई है नहीं, तो घर से बाहर सब थे, तो आपको डायरेक्ट कैसे चले गए अंदर? तो लड़की है, जो लड़की है ना वो बोली कि लड़की इसी घर में रहती है। तो जब घर आ गए अंदर तो लड़की कुछ बोली नहीं? बोली देख के, मतलब बोली कि तू यहाँ घर में रहा, तुम बाहर जाओ। फिर उसका भैया लो आए तो मैं बाहर आया। तुम अंदर डायरेक्ट घुस गए? नहीं क्या कहाँ करे? मलहूँगा। मलहूँगा तो असर भी लगे, उससे कैसे संबंध हुआ? फोन से बात करते, बात से बात से। जैसे कहाँ पे मिले थे आप लोग? मिले उले में। हाँ, कहाँ मिले थे कि इनसे फर्स्ट टाइम कहाँ से बात इनसे स्टार्टिंग हुआ था? मेले में, यहाँ पे मनियर के आगे एक मेला लगता है। कौन सा मनियर? मनियर के आगे एक बीच में रोड पे ही गांव है, आजमपुर की क्या ऐसे ही आजमपुर की क्या ऐसे। हाँ हाँ हाँ, तो फिर उसी से टच हुए, वहीं पर आपसे मुलाकात हुई? मतलब खाली यही बात थी, उसके बाद नंबर दिए आप? नंबर दिए उसने? नंबर दे उससे कितना बार मिले हो? जब शादी लगा है तो आपको बताइए कि यहाँ पे शादी हो रहा है? पहले मिठाई लाया था।
उसके बताने से या तो पता चल जाता है कि लड़का दुल्हन का कोई सगा संबंधी नहीं बल्कि उसका प्रेमी है। दुल्हन से उसके बारे में जब पूछा जाता है तो पहले तो वह मना करती है, फिर मेले में मिलने की बात बताती है। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। यहाँ भी कुछ ऐसे ही देखने सुनने को मिला। दुल्हन के प्रेमी का मोबाइल उसके ससुराल वालों को मिल गया, उसमें दोनों के कई आपत्तिजनक तस्वीरें यहाँ तक कि वीडियो भी मिले। फोन पर दूल्हे के घर वालों ने हमें बताया कुछ ऐसे वीडियो फोटो उनके द्वारा बनाए गए थे जिसे देख एडल्ट फिल्म भी फीकी पड़ जाए, जो उनके वर्षों पुराने अंतरंग संबंधों को बताने दिखाने के लिए काफी थी। नहीं पीछा कर तो घर में नहीं घुसता। आप बताओ क्लियर बताओ। नहीं वो बोल रहा है तीन बार मिला, वो तो बोल रहा है विशाल बोल रहा है कि तीन बार मिला है। विशाल बोल रहा है तीन बार मिला है, एक बार घूमे बलिया भी गई घूमने के लिए। नहीं अकेले नहीं गई, गई है साथ में गई हो ना, किसी को ले गई हो ना, सब गए हैं वो पीछा। नहीं तीन बार मिली है उससे पीछा करके, विशाल ने बोला है सब। नहीं तो दिखाऊं कितना वीडियो बना है उसके मोबाइल में, सब चीज मिला है। अब तुम्हारे देखो जैसे आए थे, बताओ आप कितने गंदी बातें बाकी गंदी गंदी। वो तो बता रहा है बैठा है अभी, अभी है वो खुद बता रहे हैं उसके लिए ऐसे कैसे डायरेक्ट। चलिए ठीक है, उसके साथ पहले का फोटो कैसे आ गया, ऐसे घुस जाएगा, कैसे फोटो की खींची हो, कैसे वीडियो बनवाई उसे, कबूल कर लो कि ओपन करना है समाज में, कुछ होगा नहीं उसके साथ में रहो या घर पे रहो कहीं भी रहो, मगर ये लोग लड़के का जिंदगी खराब मत कब समझ भाई। जगह नहीं रहोगे, आप ऐसा करो अभी अच्छे से जाओ, अच्छे खराब हो जाएगी उसकी जिंदगी। आप जहाँ रहो वहाँ रहो, जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, उससे कोई मतलब नहीं घर से, किसी एक के पास रहो, तब किसी एक के पास रहो तुम। बुला रहे हैं कुछ नहीं होगा बेटा, तू बताओ क्या हुआ, इनसे कैसे संबंध हुआ, इनसे संबंध कैसे हुआ, कारो संबंध कैसे हुआ इनसे, अरे कारो संबंध कैसे आ गए यहाँ पे, कैसे आए आप बताइए, कैसे आए यहाँ पे, वो बोल रहे संबंध है, वो बोल रहे कि मैं आया हूँ यहाँ पे, वीडियो बताऊँ बाबू आए आए हैं यहाँ पे, नहीं कह रहे कि आपका घर का खींचा हूँ मैं, वो बताइए कि मैं कोई मेला में मिली हो आप, मेला में लगा है, बताओ सही से बताओ तुम्हारा। इससे यह भी पता चला कि इन दोनों का प्रेम नया नहीं बल्कि 3 साल पुराना है। दोनों एक दूसरे के हवस में अंधे हैं। अभी दुल्हन के ससुराल वाले उसके प्रेमी का कुछ अच्छे से आवाभगत कर पाते तब तक किसी ने थाने को खबर दे दी। पुलिस दुल्हन के ससुराल पहुँच प्रेमी को थाने ले गयी। उधर दुल्हन के घर वालों को फोन पर ससुराल वालों ने इस बात से अवगत कराया। घर वाले रात्रि में ही अपने बेटी के ससुराल पहुंच गए। जैसा कि बताया गया कि दुल्हन के घर वाले पूरी बात सुनने के बाद यकीन करने को तैयार नहीं थे, और जब उनको उनके लड़की के प्रेमी की तस्वीर दिखाई गई तो उसे भी पहचानने से इनकार कर दिया। यह देख सुन के घर वाले सन्न रह गए। ये कैसे संभव है 3 साल से उनकी लड़की जिस लड़के के साथ संबंध रहा हो उसे उनकी लड़की के साथ एडल्ट वीडियो बनाया हो उन लोगों ने कभी देखा ना हो। एक कहावत है सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ऐसा ही हुआ जब लड़के पक्ष वालों ने लड़की पक्ष वालों को प्रेमी प्रेमिका की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाई, सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया। गुस्से में लड़की के घर वालों ने एक और बड़े राज से पर्दा उठा दिया। उनके घर वालों द्वारा बताया गया शादी के 15 दिन पूर्व अपनी लड़की का एबॉर्शन भी करवा चुके हैं, और यह भी बताया कि डॉक्टर ने मना किया था शादी के बाद अभी लड़के से दूर रहें। लड़की ने ऐसा ही किया। दूल्हे ने बताया दुल्हन ने सुहागरात में कुछ ऐसा बहाना किया जिससे कि वह सुहागरात में अपने पति से पीछा छुड़ा सके। ऐसे में दोनों के बीच पति पत्नी का कोई संबंध स्थापित न हो सका। संयोग ऐसा रहा दुल्हन के आने के दूसरे दिन दूल्हे के जीवन में दुल्हन के प्रेमी की एंट्री हो गई। YouTube गाइडलाइन को ध्यान में रखकर लड़की व घर वाले की पहचान छुपाना जरूरी है, उसे हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। 13 जून को सुबह कुछ सम्मानित लोगों की मौजूदगी में पंचायत हुई। पंचायत में तय पाया कि शादी को खत्म कर लेना दोनों लोगों के लिए सही होगा। बेलथा और तहसील पहुंच दोनों ने स्टम्प पेपर व गवाहों की मौजूदगी में तलाक के पेपर पर साइन कर एक दूसरे से अलग हो गए। दुल्हन के तरफ से मिले सभी सामान पैसे यहां तक कि उनके गहने लड़के पक्ष वालों ने वापस कर दिया। एक तलाक इब्राहिम बतौर खुला के दे दिया।
जैसा कि लड़के पक्ष वालों ने बताया, बाद में प्रेमी की बाइक मोबाइल वगैरह पुलिस को सौंप दिया। शादी का अंत ऐसा भी होगा किसी ने नहीं सोचा होगा। धूमधाम से घोड़े पर चढ़कर दूल्हा दुल्हन लाने गया। सभी रस्म रिवाजों से सैकड़ों बरातियों के साथ दुल्हन लाया। घर वालों ने पलके बिछा उसका इस्तकबाल भी किया, लेकिन किसे क्या पता, यह शादी की खुशी बस 3 दिन की मेहमान है और इस शादी का अंत भी इतना भयानक होने वाला है। आप बताएं, क्या किसी को दूसरे की जिंदगी जानबूझकर खराब करने का अधिकार है? यह जरूर बताएं कि इस घटना में किसने किसकी जिंदगी बर्बाद की। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ।